तटीय राज्यों में तबाही मचाने वाले समुद्री चक्रवात ताऊते का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बागेश्वर में एक परिवार पर बारिश काल बनकर टूटी। जिले के सात रतबे गुनाकोट गांव में भारी बारिश के चलते एक मकान के ऊपर विशालकाय पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से मकान जमींदोज हो गया। हादसे में एक ही परिवार के दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद तहसील प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया। अंधेरा होने की वजह से ग्रामीणों को रेस्क्यू कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ देर बाद जिला प्रशासन की टीम भी 108 के साथ मौके पर पहुंची। तब तक ग्रामीणों ने सभी लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया था। उसके बाद सभी घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया और बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। 3 बजे की बात है, 3 बजे हमें आवाज़ आई तो हम उसके ऊपर गए, तभी वो बचाव बचाव कह रहे थे अंदर से, तभी सब गाँव वाले आ गए थे, सब लोग उठे बचाने में लगे थे। करीब 9 लोग थे अंदर, जिसमें से 6-7 लोगों ने निकाल लिया था अच्छे से, लेकिन 2 लोग वहीं बच गए थे। तो 2 लोगों को निकाला, तो फिर उसके बाद निकालने के बाद करीब 10-15 मिनट बाद प्रशासन की टीम पहुँची। तब तक तो हमने निकाल दिया था और एम्बुलेंस पहुँची। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें एम्बुलेंस में बाहर चलाया गया। फिर हमें यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद पता चला कि दोनों, एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और उन्हें बेहतर उपचार मुहैया कराने के निर्देश दिए। जैसे आज हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के गुनापुर ग्राम सभा के तो प्रतेड़ में कैलाश राम जी के मकान में आज एक हादसा, जो रात के 3 बजे के करीब इनके पीछे मकान के पीछे पेड़ था, वो पेड़ इनके मकान के ऊपर आ गया। जिस समय ये मकान के ऊपर पेड़ आया तो उस समय पूरा परिवार, जो इनका 10 से 12 लोगों का परिवार था, उस मकान के अंदर सो रहा था। तो वो मकान पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और मकान टूटने से सारा मकान का मलबा इनके परिवार के ऊपर आ गया। आवाज़ को सुन के आस पड़ोस के लोगों ने आके मदद की और मदद करके उनके द्वारा इनको बाहर निकाला गया। और जैसे कि इसमें आज उनकी धर्मपत्नी और उनका एक नाती जो था वो इस हादसे में मौत के काल में चले गए हैं। जैसे कि यह बहुत बड़ी क्षति आज हमारे क्षेत्र में है, जिस तरीके से आपदा का माहौल चल रहा है, इसमें इनको मैं प्रशासन की तरफ तो यही कहना चाहूँगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद और सहायता की भी ज़रूरत है। और इनका जो मकान, एक ही मकान जिस पर रहते थे, वो पूर्ण तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, उनको रहने की अब कोई सुविधा नहीं है। तो जल्द से जल्द इनको, इनका जो आपदा के तहत जो भी मुआवजा बनता है, जल्द से जल्द इनको दिया जाए, ताकि है और उस भवन को पुनः निर्माण कर उसमें अपने रहने की आजीविका चला सके। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।